मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक आर ओ पी रेटिनोपैथी इन प्रीमैच्योरिटी इज अ डिजीज दैट प्राइमरी अकर्स इन प्रीमैच्योर बेबीज। इट कॉज एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स टू ग्रो द रेटिना, द लेयर ऑफ नर्व टिश्यू इन द आई एनेबल्स टू यू सी। द ग्रोथ कैन कॉज ए रेटिना टू डिटैच फ्रॉम द बैक टू द आई लीडिंग टू ब्लाइंडनेस। आर ओ पी यानी रेटिनोपैथी यानी रेटिना का डिटैचमेंट। समय से पहले जो इन्फेंट्स है जो आंखों में से हल्के से जो रेटिना का हिस्सा होता है उसमें क्या होता है जो एबनॉर्मल ब्लड वेसल उनकी ग्रोथ के कारण ये कंडीशन डेवलप होती है और ये नेत्र पहचाना एक नेत्र आई डिसऑर्डर है। या गर्भावस्था में 31 वीक्स से पहले जो बच्चे बर्थ करते हैं या जन्म के समय जो उनका वेट है काफ़ी कम यानी 1500 से भी कम उनमें ये कंडीशन डेवलप होती है। इसका मेन कोज ये होता है कि एबनॉर्मल ब्लड ग्रोथ जो कि रेटिना एक टिश्यू के रूप में एक लेंस को आई के पीछे एक बना देती है एक टिश्यू टाइप से जो कि ब्लाइंडनेस का कारण भी हो सकते हैं। अगर रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी 16 वीक्स 8 मंथ्स एंड 9 to 10 मंथ्स। रिस्क फैक्टर्स 3 क्राइटेरिया रिस्क फैक्टर्स बर्थ वेट गेस्टेशन एज नंबर डेज ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। अदर रिस्क फैक्टर मल्टीपल बर्थ्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन इंट्रा यूटराइन ग्रोथ रिटार्डेशंस फेलियर ऑफ इंक्रीज इन वेट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम फ्लक्चुएशंस इन SaO2 मल्टीपल एपनेइक एपिसोड्स हाइपरकार्डिया एसिडोसिस सेप्सिस इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज विटामिन ई डेफिशिएंसी एनीमिया सीजर्स। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ROP ग्रेटर एफिनिटी ऑफ O2 अगर विटामिन इंट्रोडक्शन डेफिशिएंसी इन प्रीमैच्योरिटी इन्फेंट्स आफ्टर बर्थ द हायर कंसंट्रेशन ऑफ O2 ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट एक्ट अपॉन द प्रिमिटिव वैस्कुलर ऑफ द आईज एंड कॉज वैसो कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेटिनल कैपिलरीज लीडिंग टू एन ग्रोथ एंड दिस वेसल रेटिनल वेन्स डायलेट एंड बिकम टॉर्टुअस। न्यू वेसल्स डेवलप्ड टूवर्ड्स द लेंस द एक्वास एंड विट्रस हैमर्स बिकम टर्बिड इडमा ऑफ द रेटिना हेमरेज विद द एक्सोल्यूट इन टू द रेटिना स्ट्रक्चर ऑफ सेपरेट्स फ्रॉम द इनर सरफेस ऑफ द आई देन रेटिना डिटेच्ड एफ्लोट्स मूव्स फॉरवर्ड टू द आई रेटिना बिकम एट्रोपिक ए कम्प्लीटली डिटेच यूजलेस फाइब्रोटिक मास ब्लाइंडनेस मे बी अकर। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन जोन एक्सटेंड स्टेज एंड प्लस डिजीज में ये डिवाइड किया गया है। तो पहले लेते हैं जोन। जोन फर्स्ट में क्या होता है ये जोन जो है वो इंडिकेट करते हैं एक डिजीज़ को पर्टिकुलर जो एरिया को। जोन फर्स्ट में एक स्मॉल एरिया होता है टू हट जो रेटिना का यानी हट है सेंट्रल पॉइंट जो बोलते हैं सेंट्रल विजुअल एरिया इंक्लूडिंग द ऑप्टिक नर्व। जोन सेकंड कवर द मिडल ऑफ द रेटिना। जोन 3 रन्स अलोंग टू द रेटिनल आउटर एज। और जो लोअर जोन होता है वे ROP की सीरियस जो है जोन कहा जाता है। नेक्स्ट है एक्सटेंड जो क्लॉक हॉर्स जो कंडीशन है जो रेटिना की उस हिसाब से ये डेवलप करता है जिसमें इस डायग्राम में दिखाया गया है कम्युलेटिव एंड प्लस कैटाजोनियस क्लॉक हॉर्स फैक्टर्स। अब है स्टेज जीरो इमेचर वैस्कुलेशन स्टेज में पहला स्टेज फर्स्ट में जो है ये माइल्डली जो ग्रोथ है ब्लड वेसल्स की माइल्डली होती है इन ए लाइन डिमार्केशन बिटवीन द वैस्कुलर अवैस्कुलर रेटिना एवैस्कुलर मैच्योर पेरिफेरल रेटिना जो कि एक लेयर आपको दिखाई दे रही है व्हाइट कलर की इसको बोलते हैं डिमार्केशन लाइन एंड वैस्कुलर पोस्टीरियर रेटिना और स्टेज फर्स्ट की कंडीशन इस डायग्राम में दिखाई गई है। सेकेंड स्टेज में और जो लाइन है उस लाइन को बोलते हैं एलिवेटेड रिड्स। स्टेज थर्ड जो कि मॉडरेटली एबनॉर्मल ब्लड वेसल ग्रोथ को कंडीशन को बताती है आइसोलेट टफ्स न्यू वैस्कुलर टिश्यू पोस्टीरियर रिड्स लेवल ऑफ रेटिना। स्टेज थ्री सीवियरिटी एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स की ग्रोथ को डेवलप करती है द रिड्स ऑफ एसिड विद न्यू वैस्कुलर एंटरिंग द विट्रस इन विट्रस हेमरेज जो कंडीशन है इस कंडीशन में हो सकती है। अब पेरिफेरल पार्शियल रेटिनल डिटैचमेंट स्टेज 4 मैक्युलर स्प्रेड स्टेज 4 बी मैक्युलर इन्वॉल्व्ड पार्शियल रेटिनल डिटैचमेंट। स्टेज 4 रेटिनल डिटैचमेंट एक्सिड्यूट अप अर्ली ट्रैक्शनल एज पार्ट द चेंज कवर ऑफ फ्रॉम एक्यूट एंड सिकेट्रियल डिजीज रिएब्लिमेटस अटैचमेंट ईयर लेटर्स स्टेज 4
स्टेज फाइव टोटल एटेनल डिटैचमेंट, स्टेज फोर एटेनल डिटैचमेंट प्लस पोस्टीरियर वेनस डायलेशन एंड आर्टेरियलर टोटियोसिटी ऑफ लिस्ट टू क्वाड्रेंट्स अराइजेज ग्रेजुअली ऑफ वेरी रैपिडली ड्यू टू हैवी शंटिंग मेनली टू रिड्स टिश्यू सीवियरिटी इंडिकेटर प्लस डिजीज स्टॉप आर ओ पी सीवियर मॉडरेट स्टैंडर्ड मिनिमम मिनिमल नॉट प्लस एंड नॉट प्लस रेटिनल आर्टरी ओकल्जन्स आर ए ओ क्लिनिकल फीचर्स सडन पेनलेस ऑफ लेम विजन फील डिफेक्ट ऑफ बे आर ओ ए पी डी वाइट इडोमेटस रेटिना एंड रिफ्लेक्स फ्रॉम कोरोडेड वर्डल वेसल विजिबल एंड फोबिया चेरी एंड स्पॉट 20% डेवलप्ड रिबोसिस ऑप्टिक एट्रोफी विद नो अदर फीचर्स असेसमेंट हिस्ट्री कलेक्शन फिजिकल एग्जामिनेशन ऑप्थोमोस्कोपी एग्जामिनेशन एंड रेटिनल एग्जामिनेशन ऑप्टिक कोरियन टोमोग्राफी करते हैं नॉन वेसिव यूजली फॉर्म्स 2D इमेजेज 3D पिक्चर्स कैन बी फॉर्म ट्रीटमेंट शुड बी स्टार्ट 24 टूवर्ड्स एग्जामिनेशन पल्स डिजीज बेबीज नीड इमीडिएटली ट्रीटमेंट क्रायोथेरेपी जिन्हें फ्रीजिंग्स लेजर थेरेपी सर्जरी भी नीडेड रेटिना डिटेस्ट आरओपी मैनेजमेंट स्क्रीनिंग ऑल इन्फेंट्स अबाउ 30 weeks गेस्टेशन एज एंड सॉरी लेस देन 34 weeks गेस्टेशन एज एंड लेस देन 1500 ग्राम वर्थ वेट आर स्क्रीन बिटवीन 2 to 6 weeks ऑफ एज प्रिवेंशन ऑफ सीवियर डिजीज प्राइमरी डिक्रीज द नंबर ऑफ इन्फेंट्स बोर्न ऑफ द गेस्टेशन विद द हाइएस्ट रिस्क सेकेंडरी एंड एजेंट्स दैट वी प्रिवेंट रेटिना ब्लड वेसल्स ड्रॉप द आफ्टर बर्थ वेरी प्रीमैच्योर इन्फेंट्स लिमिट द वैसो प्रोलिफिकेशन फेज सेफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन न्यूट्रल आईसीयू कंबाइंड न्यूट्रल चेकअप मॉनिटरिंग सिस्टमेटिक स्टेटस एंटीसेप्सिस वार्म एंड ड्राई एंड फेड नर्सिंग मैनेजमेंट साइनोटिक इन्फेंट्स नीड ओटो थेरेपी डू नॉट रिक्वायर आर्टरी पी ओ टू मच हायर देन 50 mmHg 17 mmHg इंस्पायर्ड ओ टू कंस्ट्रक्शन शुड बी रिड्यूस्ड इमीडिएटली कंटिन्यूस ट्रांसकोटेनियस पी एज टू इलेक्ट्रोलाइट्स द विटाल इंपॉर्टेंस ऑफ मॉनिटरिंग पी ओ टू लेवल्स प्रोवाइड सपोर्ट ऑफ पेरेंट्स एक्सप्लेन द डेप्थ थैंक यू एवरीवन दिस टॉपिक इज कंप्लीट